Hi guys, hello, welcome back to my channel Optimistic Always with a Z in the end. So आप देख सकते हो मैंने आज कोई भी मेकअप नहीं करा है. मैंने जस्ट मैंने ब्रश किया है एंड मैं यू नो फ्रेश हो चुकी हूँ एंड सब कुछ करके मैंने बस यू नो फेस वॉश करके अपने फेस को मॉइस्चराइज किया. बाकी मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, नथिंग ऑन माई फेस, एब्सोल्यूटली नथिंग. सो मैं आज आपको तीन यू नो होममेड फेस मास्क दिखाने वाली हूँ. सो आप देख सकते हैं मुझे, मैं पूरी रेडी हूँ इन मास्क को लगाने के लिए और आई होप लगने के बाद मास्क मेरे फेस पे यू नो आपको डिफरेंस दिखेगा. बिकॉज यू नो देखिए मैंने मेकअप नहीं किया, आई हैव अ लॉट ऑफ डार्क सर्कल एंड यहाँ पे डार्क पैचेस है मेरे नोज पे, तो उसमें थोड़ा भी फर्क पड़ता है कि नहीं. होममेड फेस मास्क है तो यू कैन नॉट से कि एक बार में ही फर्क पड़ जाएगा, पर अगर थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी. कहीं ना कहीं पे मैं पिक जरूर इंसर्ट कर दूंगी या फिर यू नो थंबनेल पे लगा दूंगी, कुछ भी ऐसा करूंगी. सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, आगे तक देखिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स फैमिली सबको. दोस्त मतलब फ्रेंड्स ही होता है एनी वेज. ओके सो यस, विदाउट एनी फर्दर वेस्टेज ऑफ टाइम ये वीडियो शुरू करते हैं. बट वीडियो प्लीज लास्ट तक देखना, अच्छा लगेगा. जो फर्स्ट फेस मास्क मैं यूज कर रही हूँ उसके लिए सबसे पहले हम एक क्यूकम्बर लेंगे और हम उसको पील नहीं करेंगे, क्योंकि जो पील होता है उसमें बीटा कैरेटिन होता है जिसके वजह से हमें यू नो विटामिन के बेनिफिट्स मिलते हैं. वो हमारे स्किन को इम्यूनिटी, स्किन की इम्यूनिटी और उसकी स्किन की देखभाल करता है. एंड हम एक ग्रेटर लेंगे जिसकी हेल्प से हम फिर इस यू नो क्यूकम्बर को ग्रेट करेंगे और हम उसको पील नहीं करेंगे. फिर से मैं आपको बता दे रही हूँ, क्योंकि इस जो पील होता है क्यूकम्बर में उसी में मोस्ट ऑफ़ दी न्यूट्रिएंट्स के डेंस पार्ट्स होते हैं और उसी के वजह से उसके यू नो पील के वजह से ही पील एक टाइप का एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो हमको यूज़ करना चाहिए. और फिर हम इस तरीके से क्यूकम्बर का जो जूस है पील करने के बाद ग्रेट कर सॉरी नॉट पील सॉरी ग्रेट करने के बाद जो जूस है इस तरीके से हम कोई भी यू नो आप पतला क्लोथ लेके, मैं यहाँ पे हैंकरचीफ का यूज़ कर रही हूँ, लेके आप उसका जूस आसानी से इस तरीके से किसी भी कंटेनर में निकाल लो. यस, जूस निकल गया. एंड जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट. योगर्ट के बेनिफिट्स है कि वो एक्ने को फाइट करता है, हमारे रिंकल्स को रिड्यूस करता है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, ब्लेमिशेस को कम करता है, पिगमेंटेशन को कम करता है, डार्क सर्कल को कम करता है, स्किन इन्फेक्शन से लड़ता है और सनबर्न को यू नो लेस करता है, कम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है, रेजुविनेट करता है. बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके. सो यू नो जिनको योगर्ट सूट नहीं करता वो ये फेस मास्क ना ट्राई करें, बट अगर सूट करता है तो ये फेस मास्क आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. और यू नो अगर समर हैं, समर्स चल रहे हैं एंड आपको अपने स्किन पे यू नो इतने सारे यू नो प्रॉफिट्स के बाद अगर आपको कोई और प्रॉफिट भी चाहिए तो आप योगर्ट को ऐसे चिल्ड फ्रिज में रख के रेफ्रिजरेट करके यूज़ करो एंड खाना मत इसको. ओके सो क्योंकि ये बहुत यम्मी भी दिखता है. सो यू नो मैं कह रही थी कि रेफ्रिजरेट करके आप यू नो योगर्ट को यूज़ करो. सो वो आपके फेस पे एक चिल्ड इफेक्ट देगा एंड आपके फेस को काम करेगा एंड बहुत सारे प्रॉफिट्स पहुंचाएगा. सो वो आपके ऊपर है, आप चिल्ड योगर्ट यूज़ करते हो या फिर उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे प्रॉपर नॉर्मल करके फिर यूज़ करते हो, दैट्स टोटली अप टू यू. सो यस, मैंने आपको दोनों के बेनिफिट्स बता दिए, बोथ क्यूकम्बर इट्स पील एंड ऑल्सो योगर्ट. सो बस आपको इन दोनों को मिक्स करके इसको इस तरीके से लगा लेना है. 10 मिनट के लिए इसको अपने स्किन पे छोड़ दो, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करके अपने फेस को पैट ड्राई कर लो, डन. जो सेकेंड मैं यूज़ कर रही हूँ उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर चाहिए सेकेंड मास्क के लिए रॉ मिल्क. रॉ मिल्क पिगमेंटेशन को हटाता है, ड्राई स्किन को हील करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, एक्ने को हील करता है, सनबर्न को कम करता है. एंड मेक श्योर कि आप यहाँ पे रॉ मिल्क कच्चा दूध उसी का यूज़ करो, आप नॉर्मल बॉयल्ड मिल्क का यूज़ मत करना, रॉ मिल्क का ही यूज़ करो. सेकेंड मैं यहाँ पे टर्मरिक ले रही हूँ. टर्मरिक एक एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ होती हैं टर्मरिक में, वो एंटी बैक्टीरियल होता है, ब्लेमिशेस को लाइटन करता है, एक्ने से फाइट करता है, रिंकल्स कम करता है. थर्ड यहाँ पे मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ. एलोवेरा जेल आपके एक्ने को ट्रीट करता है,
और ये बहुत सालों से इंडिया में हमारे कंट्री में यूज़ किया जाता है, और ये आपके स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सूद करता है, सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है अगर ज़्यादा हो रही है तो। एंड इस तरीके से आप इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स 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 कर लोगे, और मिक्स करने के बाद आप अपने फेस पे ये कुछ इस तरीके का दिखेगा ऑब्वियसली। सो आप कंसिस्टेंसी देख सकते हो, अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा एलोवेरा जेल, थोड़ा कम मिल्क, और अगर आपको नॉर्मल चाहिए मेरे जैसा लिक्विडी तो आप मिल्क थोड़ा ज़्यादा एंड एलोवेरा जेल थोड़ा कम, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। क्वांटिटी कुछ भी ऐसी फिक्स्ड नहीं है, आप बस कोई भी कंसिस्टेंसी पर, मैंने आपके स्किन को ये प्रॉफिट ही पहुंचाएगा, कहीं से भी इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, कोई भी जो मैं मास्क बता रही हूँ उसको आपको आँखों से अपने लिप्स, प्रॉपर लिप्स से, आँखों से, इन सब जगह से दूर रखना है। मेक श्योर ये सब मास्क आपके नोज़ के अंदर, आइज़ के अंदर या फिर माउथ के अंदर ना चले जाएँ। एंड आप सारे मास्क में अपना नेक एरिया प्रॉपरली कवर करो, नेक को मत छोड़ना, ताकि अगर नेक को आप छोड़ देते हो तो दोनों स्किन टोन डिफरेंट हो जाता है, आपका फेस ब्राइट एंड लाइट एंड लगने लगता है, नेक आपका फिर से डार्क लगने लगता है, तो मेक श्योर आप नेक को ना मिस करो। थर्ड जो मैं फेस मास्क ले रही हूँ उसके लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ राइस फ्लावर। राइस फ्लावर में फेरुलिक एसिड होता है एंड अलैंटॉन होता है, विच इज़ अ वेरी गुड एंड अ नेचुरल सनस्क्रीन। सेकेंड मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। सो बेसन इज़ बेसिकली आपके एक्ने को ट्रीट करता है, एक्जिमा को ट्रीट करता है। और थर्ड मैं यहाँ पे टर्मरिक ले रही हूँ फिर से, जिसके मैंने आपको प्रॉफिट्स जितने भी हैं सब मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। सो यहाँ पे टर्मरिक ले लिया मैंने। एंड फोर्थ एंड लास्ट चीज़ जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ वो है रोज़ वाटर। सो रोज़ वाटर के भी बहुत फ़ायदे हैं, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, एक्ने से लड़ता है, ऑयल को कम करता है, डर्ट जो एक्यूमुलेट हो जाता है आपके क्लॉग्ड पोर्स में उसको कम करता है, इट्स अ नेचुरल एंड अ ग्रेट ग्रेट क्लिंजर। एंड बहुत सारे स्किन केयर एक्सपर्ट्स, बहुत सारी क्रीम्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। सो ये हो गए रोज़ वाटर के बेनिफिट्स। नाउ राइस फ्लावर के बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि इसमें फेरुलिक एसिड होता है एंड इट्स अ नेचुरल सनस्क्रीन, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होता है, ये आपके सनबर्न को सूद करता है, कम करता है, सन टैन अगर हो गया आपकी स्किन पे तो उसको भी कम करता है। एंड ये बहुत सारी रेमेडीज़ में राइस फ्लावर भी यूज़ किया जाता है। एंड ग्राम फ्लावर आपके एक्सेस सीबम को कम करता है एंड और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। आपकी स्किन में कोई इन्फ्लेम्ड अगर आपकी स्किन है उसको सूद करता है, मतलब अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सूद करता है, तो इसको हम मिक्स करके लगा लेंगे। एंड ये हमारा थर्ड फेस पैक भी मैंने लगा लिया है एंड ये मेरा तीनों फेस पैक है। मेक श्योर आप इसको ट्राई करो घर पे एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताओ कि तीनों में से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा और क्यों, और आपको क्या और देखना है वो भी मुझे कमेंट करो। ओके गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। बी हैप्पी, बाय बाय।